फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित हैं जनपद महाराजगंज के प्रयाग नगर भैंसा, एक पुल है और बगल में ये विद्यालय जो है बहुत ही प्रचलित विद्यालय है, जहां जीके कंपटीशन और सुपर 30 जैसे जो बिहार के पैटर्न के अनुसार जो आनंद कुमार ने जिस तरह इतिहास रचने का काम किया था, ठीक उसी तरह से इस प्रयागराज से यानी कि दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज से एक ललकार निकल कर आई है, शिक्षा के क्षेत्र में एक पहचान बनाने का और शिक्षा क्षेत्र में एक उफान लाने का काम किया है दुर्गावती इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक के द्वारा। आपको बता दें कि जो जिस 30 सुपर 30 की मैं बात कर रहा था, आज वहाँ कैमरे की निगरानी में और तमाम जो अभिभावक आए हैं उनके बीच, बच्चों के बीच में बच्चों का एग्ज़ाम कराया जा रहा सुपर 13। आपको बता दें कि पंडित हरि प्रसाद मिश्र की पूर्ण तिथि स्मृति के आयोजित जनपद स्तरीय सम्मान ज्ञान एवं सुपर 13 प्रतिभा खोज परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें विद्यालय प्रांगण में ये सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि गण आए रहे हैं, यहाँ के चौकी इंचार्ज भी आए, अभिभावक भी उपस्थित हैं और इन्हें प्रॉपरली बैठने के लिए और नाश्ता पानी सभी चीज़ों का व्यवस्था किया गया है और कैमरे की निगरानी में, अभिभावक की उपस्थिति में और जो दूर दूर से आ रहे हैं पर्यवेक्षक के रूप में, उनकी निगरानी में यहाँ बच्चों का परीक्षा सम्पन्न कराया जा रहा है। बगल में माँ सरस्वती और भारत माँ जननी का फोटो लगा हुआ है और उस पर माला अर्पण किया गया है और जो जो दूर से अतिथि गण आ रहे हैं उन्हें बाकायदा प्रॉपरली बैठा के स्वागत कराया जा रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं मीडिया जगत से, जो भी मीडिया जगत से इस क्षेत्र के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्हें भी बुलाकर कक्षा का भली भांति अवलोकन कराया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एकदम निष्पक्षता पारदर्शिता के तहत एग्जाम्स कराए जा रहे हैं। और जिस तरह से मैं आनंद कुमार का नाम ले रहा हूँ उसी पैटर्न के अनुसार यहाँ दुर्गावती इंटर कॉलेज में भी एक प्रतिभा खोज रखा गया है और लगभग 30 छात्र की भविष्य यहां से उभर कर निखर कर सामने आने वाली है और अपने जीवन काल में कुछ करने वाले हैं। देख सकते हैं यहां प्रॉपरली एग्ज़ाम हो रहे हैं और इधर पत्रकार, जो भी वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं वो प्रॉपरली इस विद्यालय का अवलोकन कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं एकदम पारदर्शिता रहते हुए कैमरे के निगरानी में और जो अभिभावक आ रहे हैं उनके निगरानी में यहाँ सुपर 30 और सम्मान ज्ञान प्रतिभा खोज जो परीक्षा है उसे संपन्न कराया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार लोग भी उपस्थित रहे जो बाकायदे अवलोकन कर रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाएँ की जा रही हैं। बहुत बहुत सर स्वागत है, कैसा एग्ज़ाम हो रहा है सर? बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है जी, यह परीक्षा लगातार 10 वर्षों से हो रहा है। आज पहली पाली में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, इसके बाद सुपर 30 प्रतियोगिता होगी जिसमें पूर्वांचल के बच्चे भाग ले रहे हैं, पूरे जिले के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर। बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है, विद्यालय प्रबंध समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये पत्रकार, सारे पत्रकार यानी जो भी क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको बुला के प्रबंधक जी के द्वारा अवलोकन कराया गया कि किसी प्रकार की कोई समस्या है कि नहीं है, और प्रॉपरली सर बात करना चाहेंगे किसी प्रकार की कोई समस्या एग्जाम के मामले में? नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। अध्यापक के द्वारा किसी बच्चे को सहयोग करना, यहाँ जो परीक्षा हो रही है उसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है और कहीं से भी किसी तरह की जो है इसमें अव्यवस्था नहीं पाई गई है। हमारी पूरी टीम इसको जो है मतलब देखी है और विद्यालय प्रबंध तंत्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पत्रकार टीम की तरफ से कि इस तरह की ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की प्रतिभा का आयोजित करना, उसमें सुपर 30 जैसे जो है परीक्षा को आयोजित करना, उसमें भी जो भी जो है विद्यालय के द्वारा बताया गया है प्रबंध तंत्र के द्वारा कि जो बच्चों को सुविधाएँ दी जाएंगी उसमें, वह वास्तव में जो है काबिल तारीफ है और बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं प्रबंधक जी के सोच को सलाम करने की ज़रूरत है। जो अभिभावक, जो बच्चे इतनी महंगी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उस शिक्षा देने का मुहिम जो इन्होंने चला रखा है वो सराहनीय है। और देख सकते हैं कि पत्रकार, जो भी क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं उन्हें बुलाकर प्रॉपरली यहाँ अवलोकन कराया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अभियान चल रहा है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रबंधक जी तो हमारे जो है वैसे ही जो है एक हीरा है, नायाब हीरा है और शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो उनकी सोच है वो दुनिया को सलाम करना चाहिए। चूंकि पेशे से वो शिक्षक हैं तो शिक्षक अपने आप में समाज का निर्माण करता है और इन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण करने का संकल्प लिया है जिसमें गरीब और मेधावी को उन्होंने फोकस बना दिया है। कुल मिला के गरीब और मेधावी उनके थीम के मुख्य बिंदु हैं। सुपर 30 जो सोच है उनका वो उसी का एक हिस्सा है। सुपर 30 में वह 30 ऐसे मेधावियों का चयन करेंगे जो गरीब तबके से आएंगे, जिनको वो मुफ्त में शिक्षा भी देंगे,
मुफ्त में भोजन भी देंगे और मुफ्त में उनके रहने के लिए आवास भी मुहैया कराएंगे, और ये तब तक मुहैया कराएंगे जब तक वो लड़का मेधावी MBBS के लिए या IIT JEE मेन के लिए क्वालिफाई न कर जाए। तो ये यह एक अच्छा सोच है, और इस सोच को मैं ही नहीं पूरा क्षेत्र, पूरा देश, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। बहुत ही मैं कायल हूँ ऐसे सम्माननीय प्रबंध देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता रखते हुए इस परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है। तो आइए कुछ अभिभावकों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आने का उद्देश्य इनका क्या है, के लिए आया है। भैया क्या नाम होगा आपका? मिस्टर राजेश प्रसाद। अच्छा, एग्जाम दिलाने के लिए आया या फिर देखने के लिए? बच्चों को एग्जाम दिलाने। अच्छा। किस क्लास में है आपका बच्चा? 8 में। यहाँ दो दो एग्जाम हो रहे हैं, एक सुपर 30 और एक सम्मान ज्ञान। सम्मान ज्ञान के लिए। अच्छा, चलिए, व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया विद्यालय की व्यवस्था, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था आपको अभी तक देखने को? विद्यालय की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। भैया क्या कहेंगे? बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ से आप आए हैं? हम मछागर से आए हैं। किस जनपद से? कुशीनगर जनपद। किस चीज का एग्जाम दिलवाने? ये सामान्य ज्ञान का इस समय हो रहा है, अभी कुछ देर बाद सुपर 30 का होगा। आपका बच्चा सम्मान ज्ञान का एग्जाम देने आया है या सुपर 30? दोनों का एग्जाम देने आया है, सुपर 30 कुछ देर बाद होगा। जो ये प्रबंधक जी के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है, कितना सही है? सही तो लग रहा है, बिल्कुल सही है, अभी तक बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये तो मान लीजिए प्रतिभा खोज परीक्षा है, बच्चों के लिए कुछ हिम्मत बढ़ेगा जो ये अच्छा निकाले हैं। तो अभिभावक का भी कहना है कि जो ये मुहिम चल रहा है प्रबंधक जी के द्वारा, काफी सराहनीय। सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है प्रतिभा खोज, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज है, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, और ये अच्छी बात है कि स्कूल में हमारा जनपद में ये ऐसा स्कूल है जो ये कार्यक्रम चालू कर रहा है। और भी कभी विद्यालय में देखने को मिला इस तरह का? कभी विद्यालय में देखने को मिला है, इसमें ये अच्छी चीज है, इन्होंने अच्छा व्यवस्था किया सब। कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है, सभी अभिभावकों का कहना है। और जनपद महाराजगंज में पहला ऐसा विद्यालय है जो इस तरह का अभियान चला रहा है, लोगों को शिक्षा देने का एक ब्यौरा तैयार कर रहा है। जहां दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा महंगा होते जा रहा है, वहां इस तरह के बड़े कोर्सेस यानी कि महंगे शिक्षा को फ्री में देने का जो मुहिम चला रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे प्रबंधक के लिए? कुछ ही समय से पंडित हरि प्रसाद मिश्र के स्मृति में ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है, बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए एक अवसर है यहाँ पर, और आगे भविष्य में अच्छी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे दिख रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे प्रबंधक जी के सोच को लेकर जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं? सर ये जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसे जो हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वह जो है उनके टैलेंट का जो है काफी प्रोग्रेस होगा, और वो जो है काफी हद तक जो है आगे जाने की दिशा में, ये समझिए कि किल मील का पत्थर है जो है ये आगे जाने की दिशा में, बच्चों को जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और एक नया आयाम मिलेगा हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे क्षेत्र के बच्चों को, उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। तो देख सकते हैं यहाँ बच्चे जो है परीक्षा दे के निकल रहे हैं, अभिभावक भी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। और बाबू एक मिनट एग्जाम दे के आ रहे हैं, आइए इधर। सूर्य सूर्य अरे कहाँ हैं? किस चीज का एग्जाम दिया? सीनियर फॉर्म सीनियर का दिया है एग्जाम। अच्छा, जी के सामान्य ज्ञान का। किस क्लास में आप हो? 11th। हो क्वेश्चन का लेवल क्या था? क्वेश्चन देखिए अच्छा था, मतलब क्वेश्चन मतलब बुक से ही आया है, क्वेश्चन ठीक। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये 11th के आप हायर एजुकेशन का? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया था क्वेश्चन, जिस तब नहीं था कोई, 11th से ही आया था। व्यवस्था कैसी थी? अध्यापक लोग नकल वगैरह भी करा रहे? नहीं 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 नहीं, नहीं कोई नकल वकल नहीं हुआ है। व्यवस्था कैसी थी? पानी पीने होने का? एक नंबर की व्यवस्था, मस्त थी। अच्छा, व्यवस्थाएं बढ़िया थी। और क्वेश्चन भी जो है सम्मान ज्ञान से कुछ ऐसा ही रहा। आइए अभिभावक है चाचा जी, चाचा कहाँ करे आए थे यहाँ? यही नाती है हमारे बच्चे। अच्छा, नाती के परीक्षा और इच्छा वाले का? कौन चीज की परीक्षा देता? नहीं, जनरल नॉलेज के। अच्छा, चलिए हम दिखा दे रहे हैं बाहर का प्रांगण जो कितना अभिभावक और छात्रों से भरा हुआ है।
आप देख सकते हैं अगर सुपर 30 जो एग्जाम चल रहा है, अगर कोई लेट से आता है बच्चा, फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो प्रॉपरली यहाँ फॉर्म के लिए भी व्यवस्था की गई है। बच्चा किसी भी तरह से यहाँ समय उपरांत आ जाता है तो यहाँ इसे फॉर्म फिलअप करा के एग्जाम में बैठा दिया जाता है और एग्जाम कराया जाता है, क्योंकि सारी फैसिलिटी यहाँ प्रॉपरली उपलब्ध है। और देख सकते हैं बच्चे, अभी कुछ बच्चे परीक्षा दे के आ रहे हैं और कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। ये पूरा विद्यालय प्रांगण भरा हुआ है दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज। क्या करने आए हो बेटा, क्या नाम है? आस्था कुशोदन। अच्छा अच्छा अच्छा, किस चीज के लिए आप आए थे? जीके कॉम्पिटिशन के। अच्छा, किस क्लास में हो आप? सेवेंथ में। सेवेंथ में। क्वेश्चन कैसा आया था? अच्छा आया था। हाई स्कूल का क्वेश्चन था क्या? नो। आपके अकाउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी। क्या क्या कुछ खाने को मिला है? हाँ, पकौड़े मिले। पकौड़ा मिला है, यानी कि लंच बॉक्स भी है, पानी भी, जलपान, यानी कि पूरा प्रॉपरली ध्यान दिया गया है स्टूडेंट के लिए, खाने पीने से लेके और भी सारी चीजों पे उन्हें ध्यान दी गई है कि किसी प्रकार के छात्रों को समस्या ना हो। और बच्चे जो है, कहने का मतलब है कि बच्चे का कहना है कि हमारे क्लास के लेवल से ही क्वेश्चन आए थे। बाबू कहाँ से आप आए हो? महाराजगंज से आए हो। क्वेश्चन कैसा था? किस क्लास के स्टूडेंट हो? सेवेंथ। ऐसा तो नहीं था कि सेवेंथ में आप पढ़ती हो, हाई स्कूल का क्वेश्चन आया हो? नहीं। अच्छा, एग्जाम माइनस मार्क था या फिर? माइनस मार्क। कितना क्वेश्चन किए हो? अब क्वेश्चन 10-15। अच्छा, चलो अच्छी बात है। जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के ऊपर हमें नहीं जाना है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है काफी बेहतर है, और जिस जो सोच है उस सोच को सलाम करने की जरूरत है, क्योंकि दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति ला रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज, बने रहे, धन्यवाद।